हेलो बच्चों, आपका स्वागत है खोजी क्लासेस में। ये देखिए क्लास सेवन, वैसे तो ये सबके लिए उपयोगी है, जितने भी आपका पुलिस, एसएसबी, लेखपाल, कोई भी भर्ती की परीक्षा है, सामान्य तौर पे सामान्य गणित के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है घातांक के बारे में जानना। तो पीछे घातांक के बारे हम तमाम बता चुके थे आपको। घातांक क्या होता है, जैसे बहुत बड़ी संख्या या बहुत छोटी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए, उनको जोड़ने घटाने के लिए बहुत मुश्किलें आती हैं, इसलिए जो है घातांक का विकास हुआ। जैसे घातांक क्या होता है, जैसे दो गुणे दो गुणे दो, दो का कितनी बार गुणा करेंगे, तीन बार, इसको लिख देते हैं दो, दो ऊपर तीन लिख देते हैं, इसको कहते हैं दो की घात तीन। ये गुणन रूप है और ये घातांक रूप है। किस संख्या का गुणन रूप है, दो दूना चार दूना आठ, ये आठ, संख्या आठ का ये गुणन रूप है और ये घातीय रूप है। दो आधार है और तीन को कहते हैं घात। ये तो घातांक हो गया। तो उस घातांक में आपका क्लास सेवन का आपका चल रहा था अभ्यास दो बी, तो क्लास सेवन घातांक या अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपोनेंट्स, अभ्यास दो बी पेज नंबर 54 पे आप देखेंगे, बुक में मिलेगा आपको, इसको सभी लोग देख सकते हैं। और जिनको आता हो ये उनके लिए चुनौतियाँ हैं, सवाल हैं, वो इन सवालों को बताएं। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, मतलब इसमें पहला और दूसरा प्रश्न पीछे के वीडियो में हम देख चुके थे, पार्ट फाइव में, घातांक पार्ट फाइव में आप देख चुके थे, घातांक भाग पांच में। अब जो हम आएंगे घातांक भाग सिक्स, तो घातांक पार्ट सिक्स में आपका एक और दो हो चुका था, आप देखिए तीसरा जो आपका इस पार्ट में तीसरा देखेंगे। तो देखिए तीसरा प्रश्न है, -1^3 गुणे -1^2 गुणे -1^15 का मान बताइए। आप देखिए जानते हैं कि देखिए आपको नियम बताएं घातांक का। देखिए एक बात जान लीजिए कि गणित में जो होता है, मैथ में आपका देखिए ये गणित को अगर आपको बढ़िया सीखना है तो इसका देखिए ये क्रम होता है ELPS, यानी कि सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस, अनुभव, ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव आप किए रहे हैं। दूसरी बात लैंग्वेज, भाषा। तीसरी बात तस्वीरों के रूप में आप देखिए सिंबल। चौथा सिंबल मतलब प्रतीक। तो आपको ये देखिए अनुभव, यानी अपने दैनिक जीवन में अनुभव किए रहे गणित को, और भाषा बहुत जरूरी होता है, इसलिए आप बोलने का प्रयास किया कीजिए, दो की घात तीन, पाँच की घात सात, जब तक आप बोलने का प्रयास नहीं करेंगे गणित आपको, मैथ आपको अच्छी तरह से आएगी नहीं। तो उसमें बोला भी जाता है, भाषा का प्रयोग बहुत होना चाहिए, हैं, ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, उसके बाद भाषा, ये दोनों जो होने चाहिए। तो देखिए आपका जो है ये तो गणित सीखने का ही मनोवैज्ञानिक क्रम होता है। अब देखिए प्रश्न है आपका, -1^3 गुणे -1^2 गुणे -1^15 का मान बताइए। तो देखिए हम भाषा जो बता रहे हैं उसका क्या मतलब है। देखिए आप देखिए पीछे आप पढ़े थे कि जैसे अगर ए घाते एम हो गुणे ए घाते एन हो, तो घात, तो ये देखिए आधार इसका भी ए है, इसका समान आधार होने पर, इसका भी आधार ए है, इसका भी आधार ए है, समान आधार होने पर गुणा होने पर घातों का योग हो जाता है। तो इतनी जो बातें हम बोले हैं ये भाषा ही है, इसको आप जो बोलने की कोशिश करिए, समान आधार होने पर और गुणा होने पर घातों का योगफल हो जाता है। तो वही पहले उस नियम से इसको थोड़ा सा इतने बड़े को हम छोटा कर लेंगे। तो छोटा करेंगे तो देखिए -1^3 गुणे -1^2 गुणे -1^15 ये है। अब देखिए इसको जो है हम, अब देखिए आधार सबका समान है, -1 -1 -1, तो -1 आधार लिख लीजिए और घातों का योग हो जाता है, तो घातों को जोड़ दिए, 3 2 5 और 5 और ये 15 15 5 20, तो -1^20। एक चीज़ और बताए थे, अगर माइनस पे सम की घात हो, सम घात हो तो वो प्लस हो जाता है, तो क्योंकि आपका माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस का चार बार गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, छः बार गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, तो 20 सम संख्या है इसलिए माइनस का प्लस हो जाएगा, एक का कितना होगा करीब एक ही आता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा एक। ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि सम घात थी, और एक का कितना बार गुणा करेंगे, एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक कम एक, 20 बार भी एक का गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया एक, ये आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपका, -1^49 भागे डिवाइडेड बाई -1^25 का मान बताइए। अब देखिए इसको जो है, अब देखिए इसका आधार देखिए -1 है, इसका भी आधार -1 है, तो आधार समान है, तो आधार समान होता है और भाग होता है तो गुणा होने का, यह घातों का ही होता है, लेकिन भाग होने पर घातों का अंतर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं -1^49 -25 -1 के 49 में से 25 घटाएं कितना आएगा, -1^
नौ में से पाँच गया चार और चार में से दो गया दो, चौबीस। चौबीस कैसी संख्या है, सम संख्या की विषम संख्या, चौबीस एक सम संख्या है, इसलिए माइनस की सम घात करते हैं तो प्लस ही होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस को नवी लिखे तो प्लस, चलिए प्लस लिख देते हैं। और एक का कितना घात करिए, एक आता है तो प्लस वन लिख दीजिए, या प्लस नवी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आप वन सीधे लिख दीजिए, कुछ नहीं रहता तब भी धनात्मक होता है, धन मानते हैं। ये आंसर हो गया वन। अब देखिए प्रश्न संख्या पाँच, तीन की घाते बारह गुणे तीन घाते सात भागे तीन घाते पच्चीस का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो जरा देखिए इन सबके आधार में क्या विशेषता है, सभी का आधार क्या है, समान है, तो गुणा है तो आधार समान हो, गुणा हो तो घातों का योगफल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तीन के घाते बारह प्लस सात, ठीक। लेकिन यहाँ भाग है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस पच्चीस, ठीक है। इसको चाहे तो इस सवाल को उतार कर तब जाकर लिखिएगा। अब देखिए बारह और सात, बारह सात कितना होता है, बारह सात होता है आपका उन्नीस, तो तीन के घाते उन्नीस माइनस पच्चीस, उन्नीस माइनस पच्चीस कितना हो जाएगा, देखिए चिन्ह विपरीत है, ये प्लस है माइनस है घट जाएगा, तो पच्चीस में से नौ घटाएंगे पंद्रह में से नौ छः छः थ्री टू द पावर माइनस सिक्स, ये आंसर हो जाएगा तीन के घाते माइनस सिक्स, थ्री टू द पावर माइनस सिक्स आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न संख्या छः है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आप ही बताइए, चार गुणे चार गुणे चार गुणे चार 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 ऐसे कई बार है डाट 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 बीस बार है कुल, तो जितनी बार गुणा करते हैं वही घात हो जाता है, तो बीस की घात किस पर बीस की घात, क्योंकि चार ही का गुणा है तो चार आधार है यहाँ पर, चार की घात बीस, यहाँ खाली स्थान में हम भरेंगे चार। दूसरा प्रश्न देखिए आठ की घात छः गुणे सात की घात छः, यहाँ देखिए इनका आधार समान है नहीं, छः का घात घात छः है लेकिन आधार आठ है, घात छः है लेकिन आधार सात है, लेकिन देखिए आधार तो समान नहीं है लेकिन घात समान है। तो आपको देखिए एक नियम आपको बताया था कि अगर आधार अगर घात समान हो, समघातीय अगर घात समान हो तो आधारों का गुणा करके घात वही लिख देते हैं, तो आठ सत्ते छप्पन, तो यहाँ पर लिख देंगे छप्पन और घात वही लिख देंगे कि टू द पावर सिक्स। यहाँ देखिए नौ की घात बारह है पाँच की घात बारह है, तो देखिए दोनों पे बारह घात है तो इसको हम ऐसे बारह की घात, अंश और हर दोनों में बारह घात है तो इसको हम ऐसे नौ बटा पाँच लिख करके और इस पूरे भिन्न पर बारह की घात ऊपर चढ़ा सकते हैं। और देखिए तीन की घाते आठ और कोष्ठ बंद करके घाते तीन, यानी देखिए घातीय संख्या है, घातीय संख्या के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो आठ और तीन का गुणा हो जाता है, आठ त्रिका चौबीस, आधार तो तीन ही रहेगा लेकिन आठ त्रिका चौबीस हो जाएगा, घात आपका हो जाएगा चौबीस, ये आपका खाली स्थान यहाँ पर दिया हुआ था चौबीस हो गया। अब देखिए दो की घात तीन है और घाती संख्या इसके ऊपर पाँच की घात है तो घातों का तो गुणा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो देखिए तीन, आप जानते हैं घातों का गुणा ही होता है तीन गुणे पाँच हो जाएगा, तो आप जानते हैं तीन गुणे पाँच करिए चाहे पाँच गुणे तीन करिए बात एक ही होता है, तो इसमें पाँच नीचे दिया तो तीन ऊपर लिख दीजिए तभी बात वही होगी, तीन पचे पंद्रह पाँच तीन पंद्रह है ना, तो ये जो आपका ऐसे लिख सकते हैं दो की है ना, दो घाते तीन घाते पाँच है इसको लिख सकते हैं टू टू पावर फाइव ब्रैकेट बंद करके घाते तीन। देखिए प्रश्न संख्या सात, ये विकल्पी प्रश्न है, विकल्प छांट करके लिखना है, प्रश्न संख्या सात लिखा पाँच घाते पाँच गुणे आठ घाते पाँच का मान होगा, देखिए यहाँ पे आधार समान है लेकिन घात समान है, तो आपको बताया था घात समान हो तो आधारों का गुणा कर दीजिए घात वही लिख दीजिए, तो पाँच अट्ठे चालीस घात वही रहेगा पाँच का, तो चालीस की घाते पाँच कहाँ लिखा हुआ है, पाला वाला, ये आपका पाला वाला आंसर सही है, उत्तर में आप लिख देंगे आंसर में पाला, पाला यानी चालीस घाते पाँच, ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए प्रश्न संख्या आठ, देखिए माइनस तीन घाते चार भागे माइनस तीन घाते दो का मान है, देखिए मान जो है पूरा निकाल दिया है, घातीय रूप में मान नहीं दिया हुआ है विकल्प, तो देखिए चला इसको देखिए भाग है और दोनों का आधार समान है माइनस तीन तो आपको बताए थे आधार समान हो और भाग हो तो घातों का अंतर हो जाता है, चार में से दो जाएगा आपका तो घाते दो हो जाएगा, माइनस तीन के घाते दो माइनस तीन के घाते दो करेंगे तो माइनस तीन गुड़े माइनस तीन घाते दो करो माइनस तीन का दो करो माइनस तीन गुड़े माइनस तीन प्लस हो जाएगा तीसरा नौ, तो ये कौन सही है आपका, ये तीसरा। देखिए ये विकल्पी प्रश्न है, विकल्पी प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं कि आप अपने दिमाग को दौड़ाइए और गणित में शुद्धता के साथ साथ शीघ्रता भी जरूरी होती है, तो ये शीघ्रता से आप करने की कोशिश करिए इसलिए ये दिए जाते हैं, है ना, इसको हल करके दिखाना नहीं है आपको, ऐसे ही समझ लेना है, माइनस तीन घाते चार भागे माइनस तीन घाते दो तो भाग है तो घात का घटाना हो जाएगा, चार में से दो गया दो तो माइनस तीन घाते दो हो जाएगा, यानी माइनस तीन का दो बार गुणा माइनस तीन गुणे माइनस तीन माइनस पांच गुणा प्लस तीन का नौ, ये तीसरा आपका विकल्प सही है।
प्रश्न संख्या 9 देखिए, 4 गुणे 5 घाते 2 प्लस 5 गुणे 4 घाते 2। यहाँ पे देखिए हर जगह गुड़ा गुड़ा रहता था है, तो अब देखिए तो उसका नियम हम पढ़े थे, लेकिन यहाँ प्लस आ गया आपका, तो अब देखिए इसका मान कैसे होगा। तो इसको देखिए ये इनको आप अलग करेंगे और इसको अलग करेंगे, तो 5 का वर्ग कितना होगा, 5 × 5 = 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 का वर्ग पहले करिए 4 × 16, 16 × 5 = 80, 100 ये और 80 ये, 100 और 80 जोड़ेंगे कितना आएगा 180। तो ये आपका ये वाला सही है चौथा विकल्प, तो आंसर में लिख देंगे चौथा विकल्प यानी 180। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्नों को आप करिएगा, इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। धन्यवाद।